नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता ने 15 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हाथरस की बेटी की मौत के बाद अब देश भर में आक्रोश का माहौल है, वहीं इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। घटना के विरोध में और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। दिल्ली महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विजय चौक के पास प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। बता दें कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य कई विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर लोगों ने भी योगी सरकार की आलोचना की और इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई महिला प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, साथ ही दिल्ली महिला प्रदेश अध्यक्ष अमृता धवन को भी गाड़ी में बैठा कर ले गए, साथ ही कई अन्य प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विजय चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मौत पूरे समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। बड़े दुख की बात है कि इतनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और हम अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाथरस सामूहिक बलात्कार पीड़ितों की मौत को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सफदरजंग अस्पताल के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है, महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान ही नहीं है, अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं, इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दरअसल कई विपक्षी पार्टियों ने सीधे योगी सरकार को निशाने पर लिया है। लोगों ने ट्विटर पर हैशटैग अभियान भी शुरू कर दिया है। बता दें कि हाथरस में बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया था और गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी। इतना ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी थी। घटना के 9 दिन बाद जब बच्ची होश में आई और तब उसने अपने साथ हुई वारदात को इशारों में बयान किया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।